स्पष्ट कर दूं, जो थॉमस साहब ने कहे, उन्होंने कहा कि 50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले, तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना SC ST या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी, तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज ओनली टू रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेड अंडर आर्टिकल 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें SC ST OBC यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से, ये कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए, इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए। लेट मी रीड जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन द मैनिफेस्टो ऑफ 2014 ऑफ द कांग्रेस पार्टी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Hamari jo gareeb ki gareebi hatane ke liye jo commitment aur nishtha hai, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस, डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट, बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड, बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए।